आप देख रहे हैं दर्पण भारत चैनल। चलो, मैं चाहता हूँ बाबा साहब फोटो पर माला डालें, राजू भारती जी। साथियों विधानसभा अध्यक्ष राजू भारती जी झंडारोहण करेंगे, साथ में संस्थापक खाटवान साहब। हेलो, देखिए इधर सब लोग खड़े हो जाइए। जननायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल बंग हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधु तरंगा। तब शुभ नामे जागे अब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे बाबा साहब, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे बाबा साहब, अमर रहे। 26 जनवरी जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद। बाबा तेरा मिशन अधूरा, PS4 करेगा पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, PS4 करेगा पूरा। इनका परिचय है, ये द्रविड़ भारत अखबार की संपादक हैं और इनका एक चैनल भी चलता है YouTube पे और महोबा से प्रधान भी रही हैं। साथियों हमारे साथ बहुत लंबा संघर्ष किया है। अभी लगभग 6 साल पहले इनके साथ एक मामला हुआ था, जो शिक्षक पार्क में आप आमरण अनशन पर बैठी थी, 5 दिन खाना नहीं खाई थी, पुलिस चारों तरफ आपको घेरे थी। मैं तो बाहर गया था दिल्ली, तो मैं राजस्थान हरियाणा होते हुए जब वापस आया, मैं जब कचहरी कानपुर पहुंचा तो मुझे पता चला उमेश्वरी देवी जी धरने में बैठी हैं, 5 दिन से खाना नहीं खाई है, आपके साथ उत्पीड़न हुआ है। हमको जैसे मालूम हुआ मैं तुरंत पहुंचा, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया और धरना इस बात के लिए था इनके साथ उत्पीड़न किया था। जो देश का कोयला मंत्री था श्री प्रकाश जायसवाल का भाई प्रमोद जायसवाल, जैसे मालूम हुआ मैंने 1 बजे रात में उनको लेके उस गुंडे खिलाफ, प्रमोद जायसवाल खिलाफ हमने रिपोर्ट लिखाई थी जाके, जो बहुत बड़ा लीडर था कांग्रेस का, श्री प्रकाश जायसवाल का भाई था, इनको 1 बजे रात में हम लेके गए, जबरदस्ती उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। तो साथियों मेरा मानना यह था कि यूनिटी में दम होती है, जिस काम को करना है रास्ते 1000 है और नहीं करना है तो बहाने 1000 है। आप सभी को हमारा जय भीम। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे संस्थापक M.K. खाटवान जी ने इतना बड़ा संघर्ष करके इतने लोगों को इकट्ठा किया, तो उनका सपोर्ट करने में आप सभी को मदद करनी चाहिए। और अलमीना अहमद जी ने जैसा बोला है वैसा ही उन्होंने मतलब किया, और यही हमारा मतलब, जैसे कि उन्होंने गीत गाया कि हमें कफन झंडे का चाहिए, तो इस तरह से हम सभी लोग एकत्रित होकर और एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और संगठन को बढ़ाते रहेंगे तो हम किसी से कम नहीं है।
अगर हम जिस गली में निकल जाएंगे 10 लोग, तो वहाँ पर 10 से 20 लोग हो जाएंगे। और इसी तरह से इस कार्य को बढ़ाते हुए हम सभी महिला एकत्रित हो जाए, और हमारे भाई हैं और जितने सारे लोग हमारे दादाजी अली हसन जी हैं, जो तो वो इतने बुजुर्ग होकर वो हर रात को, हर दिन को और हर समय हर पल वो निकलते हैं और लोगों को बताते घूमते रहते हैं कि BS4 क्या चीज़ है। BS4 में वो चीज़ है कि जो हमें कहीं भी नहीं मिली है, वो यहाँ से हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से आप सभी लोग यहाँ पर एकत्रित रहिए और संगठन को बरकरार रखिए, टूटने मत दीजिए। और जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान को लिखा और पूरा किया और लोग, बहुत से लोग जागरूक हुए, लेकिन वो उस जागरूकता को नहीं समझ पा रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि उस जागरूकता को बरकरार रखना है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना नहीं है, ना पीछे जाना है, उसी जगह स्टॉप कर देना है। लेकिन उसको पीछे की तरफ मत ले जाइए, आगे बढ़ाने वाले लोग बहुत से आ जाएंगे। जिस तरह से आज यहाँ पर पहले मोनी जी थी अकेले, लेकिन मोनी जी को जानने के लिए यहाँ पर सारे लोग एकत्रित हुए और यहाँ पर एक दो लोग ना होके इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो हम चाहेंगे कि हमारी बहनें एकजुट होकर और एक साथ अपने काम को पूरा करती जाएं और संगठन को बढ़ाती जाएं। इस तरह से हमारा संगठन मजबूत होगा। तो हम यहीं पर अपनी बातों को विराम करते हुए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद खाटवान सर और BS4 के जितने भी पदाधिकारी हैं महिला। सबसे पहले हम जय भीम जय भारत कहेंगे। आज 26 जनवरी का दिन है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था और उस संविधान में हमारे जो महिलाएं हैं उनको काफ़ी अधिकार प्रदान किए गए थे। नहीं तो पहले समय में हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम लोग देवदासी बन के जीवन यापन करते थे। ना ही पढ़ने का अधिकार था, ना ही संपत्ति रखने का अधिकार था। जो बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है उसमें महिलाओं के लिए काफ़ी है और संपत्ति रखने का अधिकार है और जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं सब बाबा साहब के संविधान के अंदर दिए गए हैं। आप जब भी मौका मिले तो भारतीय संविधान को जरूर पढ़ें, उसमें पता चलेगा कि बाबा साहब ने किसी एक वर्ग विशेष के लिए कोई काम नहीं किया। उसमें महिलाएं हैं तो पूरे वर्ग विशेष, पूरे वर्ग की हैं, और दलित समाज का वर्ग है तो पूरे दलित समाज का ही वर्ग है। और हमें खुशी है कि आज ये 74वां भारतीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। एक दृढ़ भारत पेपर है हमारा जो उसमें जी लिखी हुई है, तो उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, ये भारतीय संविधान के पहले पेज पे उद्देशिका दी गई है, इसको मैं पढ़ना चाहूंगी। आप लोग से चाहती हूँ कि आप इसको दोहराएं। भारत का संविधान की उद्देशिका, बोलो भाई, सब लोग बोलते जाइए, बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए बैठ के ही। बोलिए। हम भारत के लोग, बैठ जा बच्चा जी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मीत मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान लागू किया गया था, जिसमें महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिए गए, पढ़ने का अधिकार,
संपत्ति रखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करने का अधिकार, पहले हम लोगों को बोलने का भी अधिकार नहीं था। हम लोगों से जुल्म जास्ती होती थी, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते थे, अपने अपने खिलाफ नहीं बोल सकते थे। और हमें खुशी है कि खाटवान साहब ने हमें इस मंच पे आमंत्रित किया और गठन पूरे देश में खड़ा किया, और उसी के तहत जो BS4 है। मैं टहल रहा था, लोग हमको पागल दीवाना कह रहे थे, तुम क्रेक हो, पागल हो, और शीशा लेकर अपना चेहरा देखिए। साथियों, मैंने कहा था ठीक है, हम क्रेक हैं, पागल हैं, और हमारा चेहरा अच्छा नहीं है, हम काले हैं, कलूटे हैं, कोई बात नहीं, अगर हम बात सही कह रहे हैं तो आपको मेरी बात मानना चाहिए। मगर साथियों, जो लोग हमारी बात से सहमत नहीं थे, आज वही लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। साथियों, हमको लोगों ने क्रेक कहा, पागल कहा, काला कनूटा कहा, कोई बात नहीं, उनकी गलती नहीं। उनको मेरे एक लीवर कैलीवर के बारे में एहसास नहीं था कि M.K. खाटवान कानपुर की धरती में पैदा हुए और ये BS4 को पूरे देश में फैला देंगे। आज उसी के तहत सब लोग आए हुए हैं, और उसी BS4 समर्थित प्रत्याशी के रूप में जिस जो प्रोग्राम करा रहे हैं मोनी देवी जी, जो ये इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं, और हमारे संस्थापक महोदय जी, जिन्होंने दिन और रात एक करके इस मकाम तक संगठन को पहुंचाया है, कि मैं जब शुरू में जुड़ी हूं, सबसे पहले तो मैं उन सबको जय भीम कहना चाहूंगी। जय भीम उस परम आत्मा के लिए जिसने हमें इस देश में जीने का सही मार्गदर्शन दिया। हमें एक जीने का सलीका समझ में आया कि हमें जिंदगी को कैसे गुजारना चाहिए, क्योंकि जब हमारे देश में अंग्रेजों, जब अंग्रेज हमारे देश में घुस गए और अंग्रेजों ने सारी चीज़ों पर, जिसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया, सोने का मुल्क कहा जाता था, हुकूमत पर कब्जा किया और सब कुछ लूट लिया, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो देश आज़ाद होने के बाद भी कहते थे कि यहाँ के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने कहा, एक वोट, चाहे वो पढ़ा हो या अनपढ़ हो या गंवार हो, एक वोट सबका अधिकार है। ये बाबा साहब की करुणा का फल है जो हम लोग। साथियों, आज दो वर्कर हमारे और आ रहे हैं, इसके बाद जैसे आ जाएंगे राहुल कुमार, सविता जी, दूसरे हमारे सियाराम जी जैसे आ जाएंगे, तो हमारे जिले के महासचिव और सीसा विधानसभा अध्यक्ष राजू भारती जी झंडा फहराने का काम करेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ एक सिस्टम है, जो विधानसभा स्तर का प्रोग्राम होगा तो वही उसका मुखिया। मेरी जान भी हो कुर्बान गंगो चमन के लिए, हो कुर्बान गंगो चमन के लिए, और मेरी जान जाए वतन के लिए, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, भरत राम की तरह कर लो मिलाप, उठो हिंदू मुस्लिम, अरे उठो हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए, अरे उठो हिंदू मुस्लिम मिलन के लिए, वतन में न भड़क गए तहसुब का शोक, वतन में न भड़क गए तहसुब की आग, अब नफरत हमें हर दिन से मिटानी होगी, अब रू देश की हर हाल बचानी होगी, हिंदू मुस्लिम भी सुनो, सिख ईसाई भी सुनो, हिंदू मुस्लिम भी सुनो, सिख ईसाई भी सुनो, अब सबको ये तहसुफ की बुझानी होगी, कि वतन में न बढ़ के तहस
तहस्सुब की आग, प्यार की शम्मा हम जलाएंगे, प्यार की शम्मा हम जलाएंगे, आज हम तुम ये कसम खाएंगे, आज हम तुम ये कसम खाएंगे, जो धुआं देते हैं तहस्सुब का, उन चिरागों को हम बुझाएंगे, वतन में न बढ़ के तहस्सुब की आग, करम इतना हो अल्लाह, करम इतना हो माला, करम इतना हो संगठन के लिए, अरे करम इतना हो संगठन के लिए, खुदा के है वो नेक बंदे समय जो कोशिश करेंगे अमन के लिए, अरे जो कोशिश करेंगे अमन के लिए, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, खुदा मैं तो यही चमन चाहती हूँ, यही धरती गंगो चमन चाहती हूँ, मरू तो खाके वतन चाहती हूँ, अरे तिरंगे का अल्लाह, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहती हूँ, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहती हूँ, शहादत मिले माला, शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, मुझे तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, अरे मेरा दिल जा मेरे चमन के लिए, और करम इतना कर अल्लाह, करम इतना कर अल्लाह, करम इतना हो मौला संगठन के लिए, कि मेरी जान जाए वतन के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था वो आज के दिन लागू हुआ। आज एक प्रस्तावना पढ़ी बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में। आज का दिन, इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि आज का दिन वो है जो लोग 15 अगस्त 1947 को, देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन जो लोग आज़ाद नहीं थे मनुवादी व्यवस्था से, गरीबी से, वोट का अधिकार नहीं था, आज उनको लिखा पढ़ी में आज़ादी मिल पाई थी वास्तव में आज के दिन से, इसलिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं। आज का दिन वो दिन है जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया। भाई शांत रहो, किसी कार्यक्रम की गंभीरता होती है, नहीं फिर क्या वही समाज है जिसका अपमान करते हैं लोग, जिन लोगों को करते थे। आज का वो दिन है, ऐतिहासिक दिन, जिसके लिए करोड़ों लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, करोड़ों लोगों ने, जो लोगों ने अंग्रेजों से जब देश गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोगों ने देश की लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया हम लोगों को संविधान की ज़रूरत पड़ी। दो बातें होती, हम लोगों को गुमराह किया जाता है, हमारे लोगों को, हमारे जो गरीब समाज के लोग हैं इनको जानकारी नहीं होती है, शिक्षा का अभाव होता है, गरीबी है। तो दो बातें होती हैं, एक तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो संविधान निर्माता सभा थी, संविधान बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो बाबा साहब अंबेडकर को थी, जिनको बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया संविधान, और बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा किसी ने अगर पहुँचाने का काम किया तो वो मुसलमानों ने किया था। मनुवादी लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाए, गरीबों पिछड़ों की लड़ाई लड़े, लेकिन देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या सही मायने में आज़ादी हम लोगों को मिल पाई? अभी छुआछूत से आज़ादी नहीं है। आप देखोगे कितनी गरीब लोगों की बस्ती है देश में, चाहे अमीर हो, ये लोकतंत्र है, लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र, एक तरफ लोग होते हैं एक तरफ तंत्र होता है, तो लोकतंत्र बनाते हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं गरीब लोग हैं, देश की जो जनसंख्या है वो 125 करोड़ है लगभग, जिसमें 83 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं, भुखमरी के शिकार ऐसे हैं कि 29 करोड़ लोग जो हैं उनकी एक दिन की इनकम 5 रुपया है, इसके बाद 28 करोड़ जो लोग हैं उनकी इनकम केवल 11 रुपया है, इसके बाद में 26
26 करोड़ लोग हैं, उनकी इनकम 20 रुपया है। अब ये बताओ, ये सब वही लोग हैं जहां हम लोग ये मना रहे हैं गणतंत्र दिवस, ये सब वही लोग हैं, लेकिन क्या इनकी हिस्सेदारी समानता हो पाई? बाबा साहब कहते थे कि लोकतंत्र के जो चार पिलर बनाए थे उनमें सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, लेकिन हमारे गरीब लोगों की हिस्सेदारी नहीं है। पढ़े लिखे जो लोग हैं वो केवल और केवल अपना स्वार्थ उन्होंने सिद्ध किया। जो पढ़ लिख गए उन लोगों ने कभी गरीबों की बस्ती में, दलितों की बस्ती में गए नहीं, और जो लोग शासनशाही सत्ता पे पहुंच गए उनको ही दलितों की बस्ती में, पिछड़ों की बस्ती में, जा जिसको हम लोग मलिन बस्ती बोलते हैं, ये जो असली कमेरा लोग हैं, श्रमजीवी लोग हैं, इनके यहाँ आते हैं, अब उनको बदबू आती होगी आने में, लेकिन हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। अब ये मलिन बस्ती कितनी दलित बस्ती है, कितने वोट हो गए आप लोगों में? 10,000 वोट होंगे, लेकिन आप लोग अपना नेता नहीं चुन पाते हो। अगर आप अपना पार्षद चुन के भेजे तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे लोगों को, सारे लोग बिकी जाएं, लेकिन अपने लोगों को जानकारी नहीं है, नहीं तो हमारे लोग ही चुन के जाएं। आप लोगों के सामने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर नमन करता हूं और जय भीम जय भारत। जैसा कि अभी आप सब लोगों ने सुना कि हमारी लोग कमजोरी है शिक्षा, शिक्षा के साथ में हम लोग संगठित नहीं हैं। जब संगठित नहीं तो संघर्ष क्या करेंगे? तो इसलिए सबसे पहले हमको अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, पढ़ाने लिखाने के बाद उनको अच्छी शिक्षा संस्कार देने चाहिए, और हम आपस में जो पड़ोसी हैं, जो भाई बंद हैं, जो संगठन है उसमें मिलजुल के रहें और अपनी दुख और अपने परेशानी को अपने संगठन में बताएं, जिससे हमारे हमारी संकट का निदान हो और हम अपनी बात को कह पाएं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सर उसके जो संस्थापक हैं उनका धन्यवाद, इन्होंने हमको यहाँ तक लाए। साथियों, ये बहुत विवेकशील लेडीज हैं, कोई बात नहीं। कौन सा वार्ड है? वार्ड का नाम बनाना बुरुआ। साथियों मोनी देवी जी हैं और इसी शीशा मऊ विधानसभा के अध्यक्ष राजू भारती जी की मिलने वाली हैं, इनके हस्बैंड संतोष कुमार वाल्मीकि जी। एक दिन ऐसी बात चली तो राजू भारती जी ने, क्योंकि शीशा हमारे एनियम है, जो विधानसभा निर्णय करेगा वही माना जाएगा, अचानक राजू भारती जी आए चर्चा की कार्यालय में कि मोनी देवी जी को चुनाव लड़ा रहा हूँ। मोनी देवी जी को बुलाया गया और मोनी देवी जी के हस्बैंड संतोष कुमार भारती जी को बुलाया गया, वहाँ निर्णय हुआ और चुनाव लड़ाने के लिए तय कर दिया गया। ये प्रत्याशी भी थी, समय के बाद चुनाव टल गया, कोई बात नहीं, हम संगठन मजबूत करेंगे और इनको भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। आज इनको जीरो से हम यानी BS4 हीरो को बनाने काम करेंगे। धन्यवाद। साथियों, शीशा मऊ विधानसभा आर नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली प्रेमा देवी जी अभी हमारी आशा बहू जी है और बहुत कर्मशील साथी है। मैं ये परम अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता है, आए प्रेमा देवी जी अपनी विचार रखें। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। हम तो सोचते अभी तो हमें पता ही नहीं चला था, अब पता के द्वारा पता चला। ये सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम लोग जो इतने एकजुट होकर कार्य कर रहे, नहीं तो पता ही नहीं, जिस समाज जहाँ रह रहे थे बस कोई इधर कोई इधर अलग अलग, लेकिन ये मन के अंदर ही ये सारी भावनाएं थी लेकिन अब व्यक्त नहीं कर पाए एक, लेकिन अब हिम्मत बनी कि हम आगे अपने लोगों को भी लाएंगे जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए, क्योंकि जानते तो हैं कि मतलब वो लोग हमारे साथ किस तरह से प्रति मतलब वो करते हैं, हम लोग का विरोध करते हैं, लेकिन मजबूरी है कि जब हमारी एकजुटता हम सब लोग साथ हो जाएंगे तो एकजुट से मुकाबला करेंगे और हम जीतेंगे। और धन्यवाद सबके साथ।